हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस वॉल पे ऑयल पेंट से एक पिकॉक ड्रॉ करेंगे। ऐसा एज यू कैन सी, इस डिज़ाइन को इस वॉल पे ड्रॉ करेंगे हम। इस पेंसिल का यूज़ करके। लेट्स स्टार्ट। इस वॉल का सेंटर पहले ही मेजर कर लिया था, तो सेंटर के थोड़ा साइड से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिस वॉल पर ड्रॉ कर रही हूँ उस पर भी ऑयल पेंट ही किया हुआ है, मैं इसको इजीली जो रब कर सकती हूँ जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। तो कोई भी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ध्यान रखिए कि आपकी वॉल पे कौन सा पेंट किया हुआ है। अगर आपकी वॉल पे नॉर्मल पेंट से पेंट किया हुआ है तो आप इरेजर का कम से कम यूज़ करें तो अच्छा होगा, एज़ इरेज करने पे वो ब्लैक टाइप का इफ़ेक्ट रह जाएगा वॉल पे, जुड़ा टफ होगा हटाने के लिए। कीप इट इन योर माइंड। हमारी आउटलाइन तो रेडी हो चुकी है। एक और बात, जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उसको आप बहुत लाइट ड्रॉ करना, एज आप देख सकते हो मैंने कितना जूम करके शो किया हुआ है। आउटलाइन तो रेडी हो गई है। अब हम इस ब्रश का यूज़ करेंगे वॉल पेंटिंग के लिए। जो पेंट हम यूज़ करेंगे वो है गोल्ड ऑयल पेंट। मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। एज ये पहले से बहुत पतला है और अगर इसे और पतला करेंगे तो ये ड्रॉप कर सकता है, इसलिए आप जब पेंट यूज़ करें तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर ध्यान रखें। मुझे ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑयल पेंट का यूज़ करते टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब बताऊंगी। अगर आप ऑयल पेंट यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई भी पेंट यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप कम से कम मिस्टेक करें और आपकी भी वॉल पेंटिंग अच्छी और सुंदर दिखे। पूरा ड्रॉ करने में मुझे अप्रॉक्स 4 घंटे लग गए हैं। एज़ यू कैन सी, सुबह से रात हो गई है। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। After 4 hours of struggling, finally it's completed. Hope you like it.